हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है पिरामिड स्टडी पॉइंट पे। मैं नवनीत कुमार आपके लिए लेके आया हूँ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेट टू। हमने लास्ट टाइम सेट वन किया था, उसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब मैंने कुछ और क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो कि इस 30 सीरीज में आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। सेट टू है ये हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया। भारत में जो पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी जिसने शासन किया वो कौन सी थी, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमें दिया गया है ए खिलजी डायनेस्टी, ऑप्शन बी लोदी डायनेस्टी, ऑप्शन सी तुगलक डायनेस्टी, ऑप्शन डी स्लेव डायनेस्टी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर नीचे बताएं कि आपका कितना है और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक भी मैंने साथ में वीडियो में दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन वन का आंसर है ऑप्शन डी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो थी इंडिया में वो 1206 से 1290 तक रही थी और ये फाउंड किया था इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चल लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर टू हमारा है लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर। जो लोक अदालत है वो हमारी किस एक्ट के अंदर बनाई गई है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। उसके लिए ऑप्शन हमें दिया गया है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ऑप्शन बी हमें दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, ऑप्शन सी दिया गया है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, ऑप्शन डी है लीगल कंसिलेशन एक्ट। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता जाऊंगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में लेके आया गया था और इसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कंस्टिट्यूट करने के लिए इनेक्ट किया गया था, जिसका एम ये था कि वो फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थ्री, द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए हमारा है सिक्किम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। नंदा देवी पीक ये सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन इन इंडिया आफ्टर कंचनजंगा के बाद ये आती है। क्वेश्चन नंबर फोर, इन 2019 कजाकिस्तान रीनेम्ड इट्स कैपिटल टू। तो 2019 के अंदर कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल को रीनेम किया था, उसका हमें बताने कि किस क्या रीनेम किया था। ऑप्शन ए हमारा है नूरनजार, ऑप्शन बी नूरबाई, ऑप्शन सी नूर सुल्तान, ऑप्शन डी नजरबाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर इसका ऑप्शन सी नूर सुल्तान। पहले इसका नाम अस्थाना हुआ करता था जिसको बाद में नूर सुल्तान कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ देर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मनी की सप्लाई में कमी हो इन कंपैरिजन टू जो सप्लाई गुड्स की हो रही है एंड सर्विसेज, देन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस वुड बी। तो उसका नतीजा क्या होगा। ऑप्शन ए हाइपर इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी डिफ्लेशन, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी डिवेल्युएशन। और इसका करेक्ट आंसर है डिफ्लेशन, क्योंकि गुड्स की जब डिमांड नहीं रहेगी मनी सप्लाई की वजह से तो वहाँ पे उसके प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई। हमें बताना है कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो उसको फाउंड किसने किया था। तो वो एक पाला किंग, यहाँ पे हमें दिया गया है कि वो पाला किंग था। तो ऑप्शन ए हमारे पास है राजेंद्र चोला, ऑप्शन बी है मेहरा भोज, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है पालकसिन वन। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी धर्मपाल। एक्सप्लेनेशन में इसमें आप देख सकते हैं, इट वॉज फाउंडेड इन द 8th सेंचुरी विद नालंदा इन मॉडर्न डे विलेज भागलपुर बिहार। तो भागलपुर में जो आज बिहार के अंदर एक जो डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलता है उसके अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी की जब स्थापना की गई थी उसी के साथ साथ
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑप्शन ए हमारे पास है सिलिकॉन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हमें दिया गया नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन। क्वेश्चन 8 पे हम आते हैं। इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। मतलब इसमें से कौन सा मुस्लिम शासक जिसका एम्पायर पूरे इंडिया के साउथ के एक्सट्रीम पॉइंट तक फैला हुआ था, वो कौन है, इसके बारे में हमें इसमें बताना है। ऑप्शन हमें दिया गया है ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी ग्यासुद्दीन उल बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सेकंड एंड द मोस्ट पावरफुल एम्परर था खिलजी डायनेस्टी का। क्वेश्चन 9 अब देख लेते हैं हम लोग। द पॉपुलर बाग केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। हमें इसमें बताना जो पॉपुलर बाग केव है पेंटिंग्स जो हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, तो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। बाग केव्स हैं वो धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हु वाज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ऑप्शन ए रूमा पाल, ऑप्शन बी सुजाता मनोहर, ऑप्शन सी अन्ना चांदी, ऑप्शन डी लैला सेठ। तो इसमें हमें बताना है कि जो हाई कोर्ट है दिल्ली का उसकी फर्स्ट वीमेन जज कौन थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लैला सेठ। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इसके बारे में हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी सोनोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो आप इसको टाइम कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोनोमीटर। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। शैडो कैबिनेट इज द फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ। जो शैडो कैबिनेट का जो फीचर है वो किस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से लिया गया है या उसमें होता है, तो इसमें हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी यूएसए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। जो शैडो कैबिनेट होता है कि ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस का ग्रुप होता है जो एक पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड करते हैं लेकिन उनकी जो पार्टी होती है वो गवर्नमेंट में नहीं होती है, एग्जाम्पल के लिए अपोजिशन पार्टी। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 द प्लैनेट एमिटिंग ब्लू ग्रीन लाइट इज। जो प्लैनेट ब्लू ग्रीन लाइट एमिट करता है वो ऑप्शन हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी वीनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी यूरेनस। इसके एक्सप्लेनेशन आप नीचे पढ़ सकते हैं। द एटमोसफेयर ऑफ यूरेनस इज कम्पोज ऑफ 83 हाइड्रोजन। जो यूरेनस का जो एटमोसफेयर होता है उसमें 83% हाइड्रोजन होती है, 15% हीलियम होती है, 2% उसमें मीथेन होती है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिलीन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। तो जो मीथेन उसमें अपर एटमोसफेयर में होता है वो रेड लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है जिससे यूरेनस है वो ग्रीन ब्लू लाइट एमिट करता है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911 एट द एनुअल सेशन ऑफ द INC हेल्ड एट। तो ये इसमें पूछा गया है जो नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था ईयर 1911 में एनुअल सेशन ऑफ INC इंटरनेशनल कांग्रेस, वो कहाँ पे गाया गया था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। ये पहली बार कलकत्ता सीजन हुआ था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27 दिसंबर 1911 में, वहाँ पे इसको गाया गया था। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 15। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन द इंडियन पार्लियामेंट इज। जो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंडियन पार्लियामेंट में वो कौन होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए इसमें है लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑप्शन बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन सी द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इसका करेक्ट आंसर है द लीडर ऑफ अपोजिशन।
इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको मैं बता देता हूँ, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, एक कमेटी होती है जिसमें सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट की, और उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसको कंस्टिट्यूट करती है। उसका पर्पस ये होता है कि जितना भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट का और एक्सपेंडिचर है उसका, और टाइम टू टाइम ऑडिट करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। जो इंग्लिश है वो किस इनमें से दिए हुए राज्यों की ऑफिशियल भाषा है? तो ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड। 1967 में नागालैंड असेंबली ने इंडियन इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे वहाँ पे उन्होंने घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 17। द मेन एम्फेसिस ऑफ कीनेसियन इकोनॉमिक्स इज, ऑप्शन ए एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन सी एक्सचेंज, ऑप्शन डी टैक्सेशन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है जो कीनेसियंस इकोनॉमिक्स है उसमें जो मेन एम्फेसिस होता है वो किस पे होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, एक्सपेंडिचर पे। कीनेसियन इकोनॉमिक्स जो होती है वो इकोनॉमिक एक थ्योरी है जो कि टोटल स्पेंडिंग जो इकोनॉमी में हो रही है उसकी और उसका जो इफेक्ट है आउटपुट पर इन्फ्लेशन पे क्या आता है उसके बारे में बताती है। जो कीनेसियन इकोनॉमिक्स है वो डेवलप की गई थी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड कीनेस ड्यूरिंग द 1930s इन द अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द ग्रेट डिप्रेशन। तो जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने इस थ्योरी को पॉपुलेट किया था। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इसमें से कौन सी जो नदी है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी बेटवा, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी गंडक या गंडकी इसको भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गंडकी या गंडक। एक्सप्लेनेशन, इसमें द गंडक रिवर है ये जो नेपाल की मेजर रिवर है और इसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की इंडिया के अंदर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 19। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड निर्भय इन अप्रैल 2019, इट इज़ ए एन। तो हमें इसमें बताना है कि जो इंडिया ने सक्सेसफुली एक टेस्ट फायर किया था निर्भय का अप्रैल 2019 में, वो है क्या बेसिकली? तो ऑप्शन ए हमारे दिया हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल, ऑप्शन बी ट्रांसोनिक मिसाइल, ऑप्शन सी सबसोनिक मिसाइल, ऑप्शन डी सुपरसोनिक मिसाइल। तो आपको इसमें बताना है कि उसमें से कौन से टाइप की वो मिसाइल है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियो भी बनाऊं जिस मिसाइल्स के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी सबसोनिक मिसाइल। निर्भय एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको डिजाइन किया डेवलप किया है इंडिया में ही, और ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया गया विच इज़ अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द टीम दैट वॉन द फर्स्ट टू वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट्स वॉज, क्रिकेट वर्ल्ड कप के यहाँ पे इन्होंने बात की है, वो उसका ऑप्शन उन्होंने दिया गया है कि पहली कौन सी दो जो टीम पहली कौन सी टीम दो बार वर्ल्ड कप जीती थी? तो उसका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इंडिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज 1975 एंड 1979 में दो बार वर्ल्ड कप जीती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ किंग्स ऑफ द कश्मीर। इनमें से कौन सा टेक्स्ट एक डिटेल अकाउंट देता है कश्मीर के राजाओं के बारे में? ऑप्शन ए है राज तरंगिनी, ऑप्शन बी कथा सरित सागर, ऑप्शन सी दीपावामसा, ऑप्शन डी विनया पितिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए राज तरंगिनी। राज तरंगिनी जो ये है मैटेरियल लेजेंडरी और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट पर्टिकुलरली कश्मीर के राजाओं के बारे में, और ये जो संस्कृत में लिखी गई थी इसको लिखा था कश्मीरियन हिस्टोरियन कलहाना ने 12th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 22। द 124th अमेंडमेंट एक्ट 2019 डील्स विद, जो 124वां संशोधन भारत के संविधान के अंदर किया गया था वो क्या है, इसके बारे में हमें बताना है उस एक्ट के बारे में। तो ये ऑप्शन ए है ट्रिपल तलाक, ऑप्शन बी GST, ऑप्शन सी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया, ऑप्शन डी इकोनॉमिक रिजर्वेशन। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है इकोनॉमिक रिजर्वेशन। लोकसभा ने पास किया था इसका कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019 में, जिसमें 10% रिजर्वेशन जॉब्स के अंदर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इकोनॉमिकली वीक
बैकवर्ड सेक्शन को दिया गया था जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी आफ्टर द 2019 लोकसभा इलेक्शन। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में किसको लीडर अपॉइंट या सेलेक्ट किया गया था? तो ऑप्शन ए हमारे पास है शशि थरूर, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन बी सोनिया गांधी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स नन अपीयर्स। एक ऑब्जेक्ट जो सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले और उसमें से कोई भी रिफ्लेक्ट ना करे कलर, तो वो किस कलर का दिखाई देगा? ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी वाइट, ऑप्शन डी ब्लू। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्लैक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडिया में गवर्नर ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें पूछा गया है गवर्नर ऑफ स्टेट की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, तो आप इसका आंसर ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है वो सारी उसकी पावर्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसका ऑफिस से रिलेटेड वो आर्टिकल 153 से 162 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स विच टू लैंड मासेस। जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करते हैं? तो इसका ऑप्शन हमारे को दिया गया है ऑप्शन ए मलई पेंसिला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा, ऑप्शन बी अफ्रीका एंड यूरोप, ऑप्शन सी इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मलई पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है मलई पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एटमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज गिवन बाई। तो एटमिक जो थ्योरी ऑफ मैटर है वो किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए एवोगैड्रो, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 28। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। जो क्वालिटी होती है पेट्रोल की वो किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्टेन नंबर में, ऑप्शन बी गोल्ड नंबर, ऑप्शन सी सिटेन नंबर, ऑप्शन डी एडेड अनलीड कंपाउंड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर को इसको बोला जाता है जिसमें क्या होता है कि इग्निशन क्वालिटी किसी भी गैस या पेट्रोल की वो मेजर की जाती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन द नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इज। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द मैन मेड एलिमेंट। तो ऑप्शन ए इसमें हमें दिया गया थोरियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। तो इसमें हमें बताना मैनमेड या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा है जो नेचर में अकर नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट होता है जिसका सिंबल होता है PU एंड एटॉमिक नंबर उसका होता है 94। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? ऑप्शन ए DDT, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी प्लास्टिक। आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सब लोग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेपर। पेपर एक बायोडिग्रेडेबल है इनमें से क्योंकि ये प्लांट मटेरियल से बनता है और मोस्टली सारे प्लांट मटेरियल होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये क्विज आप अटैम्प्ट करेंगे। आप अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।